हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं बायोगैस स्टैंड पर। और भी और जैसे कि आपको हमने बताया था कि हम कल जाएंगे मरी, और अब सारे निकल चुके हैं, बस हमने भी जाना है। अब सिलेंडर रख रहे हैं, ये भाई तुम लोग पता है ना, हम लोग साथ पे कुछ देते लिए तो पकाने के लिए हम सिलेंडर। और अभी मैं सारों ने अपना सन ग्लासेस भी ले लिया है, लॉक लगा रही है। और मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ कि हमने कौन सी गाड़ी ली है। और गाइस जैसे कि कल और हम लोग यहाँ फिर बहुत मम्मा जी लगभग पहले से तो ये हमारी गाड़ी जो है फॉर्चूनर। और सही डाला हम लोग डाला लेते, हमने डाला लिया हुआ है, डाले पे हम लोग रहते हैं। तो अभी आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बाय। साइड्स पे अभी तक स्नो जो है वो मौजूद है, नज़र आ रही है। अभी नथिया गली से हम बहुत पहले हैं, नथिया गली के जैसे जैसे नज़दीक जा रहे हैं तो स्नो और ज़्यादा नज़र आ रही है, बहुत ज़बरदस्त दोनों साइड पे, और के दोनों साइड पे राइट साइड पे जा। नवाल का कितना जोश और खरोश हो, कितने खुश हो रही है बर्फ में आके, और उसने बिल्कुल जैकेट वगैरह अपनी कुछ भी नहीं पहनी, उसको ठंडी नहीं लग रही। और अली भी देख ले कैसा खुश हो रहा है। अभी नवाल ऊपर से देखे स्लाइड ले गई, स्लाइड करो। और अली और नवाल स्लाइड करने लगे हैं, देखे कॉम्पिटिशन, वाओ जबरदस्त, 1 2 3 गो। अब नवाल आएगी स्लाइड करते हुए, दमन में भी स्लाइड आ रही है ना। ये तो गीले हो जाएंगे कपड़े। सुनो मैं बहुत ठंड होगी अब, वरना स्नोमैन देखो। यस yes. हाँ गाइस, तो क्या जो इतने अच्छे अच्छे स्नोमैन बना रही है, हम लोग से तो एक
छोटा सा स्नो मैल भी नहीं बन रहा था। वहाँ देखो उधर जाओ, अली इधर आओ, अली इधर आए, अली इधर आओ, अली इधर आओ। ये देखो बर्फ का घर बना हुआ, अंदर जाओ बर्फ के। अरे बर्फ का घर? यस, अंदर जाइए। बर्फ का घर देखो, जाऊंगा मेरे को ढक दो। चलो तो क्या जबरदस्त व्यू है। हम हैं इस वक्त अज़रबैजान के शहर गबाला में। ये गबाला हमारा जो है ना, ये मरीथिया गे है। तो वैसे पाकिस्तान में इसको नथिया गली बोलते हैं। तो या बड़ी थमंडस, ये मेरी आवाज आएगी तो नहीं तुम लोग के व्लॉग में? आएगी। क्यों? चल कट कर देंगे। ठीक हो गया। ये है स्नो, लेकिन ये हमारे स्नो में थोड़ी थोड़ी मट्टी भी आती है बीच में, लेकिन एक रास्ता क्लियर है। दैट मीन के सर्दियों में बड़े आराम से नथिया गली आया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं बता दूँ, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, उसको सब लोग गौर से नोट कर लें कि जब स्नोफॉल हो रही हो तो राइट उस वक्त ड्राइव ना करें, और हो जाने के बाद जब तक के वो शावल लग ना जाए और रोड के ऊपर रोड क्लियर ना हो जाए और स्नोफॉल रुक जाए तो ड्राइव करें। अगर आप शावल लग जाता है उसके बाद हल्की हल्की स्नो अगर स्टार्ट है तो भी जो है बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाएगी रोड के ऊपर, स्लिपरी हो जाएगा और आपकी गाड़ी जो है वो इसको एक्सीडेंट हो सकता है। तो देखें, जब बिल्कुल स्नो हट गई हो रोड से, शावल ने एक जो है वो उसने क्लीनिंग कर दी हो और उसके बाद स्नो स्टॉप होगी तो आप ड्राइव करें, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो इसके अलावा गाड़ी को चलते हुए अगर आप स्नो के ऊपर चला रहे हैं, पहली बात तो स्नो के ऊपर गाड़ी ना चलाएं, आप रुक जाएं। बिल्कुल जो रूल नंबर वन है कि स्नो के ऊपर गाड़ी ना चलाएं, रुक जाएं। स्नो जब खत्म हो जाए तो उसके बाद गाड़ी चलाएं। हम अभी आगे हैं डूंगा गली, तो डूंगा गली में अभी तक जो कल स्नोफॉल हुआ है, आज 15 मार्च है, तो कल वाला जो स्नोफॉल है उसके ये अभी तक जो है सड़कें तो साफ हो गई, लेकिन ऊपर साइडों पे अतराफ में जो है ना अभी बर्फ़ पड़ी हुई है। डूंगा गली जो है उसको हम क्रॉस करके हम आगे जा रहे हैं नथिया गली की तरफ। ये आ गया बाजार, नथिया गली का चर्च। ये चर्च है ना सामने, हाँ उसमें उसने बताया था। दुनिया ने चलना बंद कर दिया, सब कुछ खत्म हो जाएगा यहाँ से। नवाल आप आगे, अगर दुनिया ने चलना बंद कर दिया ना, आप जरा रख देखना ध्यान से यहाँ से। सेलिब्रिटी जी, रुको, स्टॉप स्टॉप, ये बहुत ज्यादा स्लिपरी है बाबा, यू हैव टू बी केयरफुल। बाबा जी, जी मैं हेल्प करती हूं। बाबा कुछ नहीं होता, बर्फ के ऊपर से स्लाइड करके पहले अली जाएगा। मैं जैकेट उठा आया, नहीं नहीं पहने, उधर चले जाओ ना स्नो की तरफ। हां रुको 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 रुको, रुक जाओ अली, आप गिरोगे मुझे पता, देख लेना। शेर कभी, वाओ क्या बात है भाई, कुछ नहीं होता अली को, कुछ शेर वाकई कभी नहीं होते। यही तो वीडियो बनेगी, यही तो वीडियो बनेगी। अली तो पहुंच गया भाई। बाबा कैन यू टेक अली, एक मिनट, 1 मिनट, अभी बाबा भी थोड़ा सा शेर बन जाए। अली आप तो ऊपर चढ़ गए। मम्मा मेरी जैकेट पकड़ लो, ठंड है ही नहीं। पहने रखो, पहने रखो। अब्बा जी आप भी आ रहे हो? यस आई एम हियर। रुको बाबा, मैं आई, मम्मा ये पकड़ो ना, ये पहन लो ना, बहुत क्या है भाई, क्यों थी पता नहीं। रुको मैं भी आई, आई थिंक बहुत मुश्किल हो रहा है अभी, अभी ध्यान से। आई थिंक बहुत मुश्किल है मेरे बेटे के लिए, आई थिंक नवाल गिर गई है। चले गए देखो, वो कचरा कचरा देखना,
नवाल आपने ये गलत किया, ये पहन लो, हम लोगों ने भी पहने हुए। इस तरफ आओ भी मत, आप उधर जाओ। बाबा मुझे कुछ नहीं होता, यहाँ तो मैं खुद भी गिरूंगा। बाबा भी जा रहे हैं। मैं तो बाबा के फुटप्रिंट्स पे चल रही हूँ। हाँ जी यस। मैं दूसरा ऊपर वाला बनाऊं। अली मेरा कहाँ वो हो गया, उसके तो वीडियो बनाने चाहिए। लो आओ ना वाल। वो यहाँ फिर आप लोग समझ लो, वो जो ना होता वाटर प्रूफ होता है, जो मेरे ना वो वाटर प्रूफ है, वो पहन के आए हैं। चलो नहीं फ्लाइट कर क्या वो मम्मा पीछे देख रहा है, बर्फ लगी पीछे देखो क्या बर्फ। ए इधर पेंट पे बाबा, लगता है इसकी तबीयत खराब हो रही है। ये देखो अभी तो रेस्क्यू करके ला रहा हूँ। ये देखो ख्याल से रेस्क्यू होते तो खुद ही ना हो जाना। मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा वीडियो बनाया। मैं तभी कह रही हूँ ना, ये वो दूसरी बर्फ है। बंदा इजीली चल तो चल पा रहा है, दूसरी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हीरो जबरदस्त लग रहा है। हीरो की तो बात ही छोड़। क्या जी मम्मा सो ब्यूटीफुल सो लिटिल गरम पानी से नहाना नहीं सही है। बाबा चश्मा लगाया हुआ है, चश्मा उतारो ना। गाइस देखें नवाल कितना एंजॉय कर रही है बर्फ पे, और इसको आज तो ठंड लग ही नहीं रही, गर्मी लग रही है इसको, इतनी एक्साइटेड और इतनी खुश है। पहली दफा इतनी खुश हो रही हूं। हाँ। और अली आप कहाँ जा रहे हो? मम्मा को अगले साल मम्मा को भी ले आएंगे कराची। अगले साल आती नहीं है, आ जाएंगे जी। अच्छा हाँ। चल तो पहले तस्वीर बना लो फिर जंपिंग। आपकी मैगी भी तैयार हो रही बर्फ पे। बर्फ से पिघला के पानी से आपका बर्फ मैगी खाना दो तो एक साथ। इसलिए बन रही है मैगी। गाइस अब हमारी मम्मा ऐसे आएगी थोड़ी थोड़ी देर। तो क्या था Yes? नहीं खा रही बर्फ, खा रही है भैंस की मैगी की भूख है। ये वाली नहीं खा रही, बर्फ इतने अली और मैं बना रहे हैं मैगी। यस अली और ये साल के लिए नवाल के लिए, लगता है ये साल हमारे साथ है। हाँ नाम उसका नाम आ गया, उसका नाम आ गया, ये साल साथ है। चार बच्चे हो गए, पांचवा पीछे रह गया। कह रही तो अपी ये साल मैंने उसका नाम मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया ना। अच्छा। तो वो हमारे साथ है यहाँ पे। हाँ तो उसने बोला मेरा भी नाम लो। तो ये साल भी यहाँ पे है, वो भी मैगी खाएगी। ये साल हाँ ये साल उनका नाम ये साल था, तभी आपका नवाल रखा। नेमल भी तभी रखा। हाँ बाबा यस बाबा।
खजीदा। इसको कोई फर्क भी पड़ रहा है हीट का का नहीं? हाँ खदीजा, आप खदीजा आपी को कितने साल हो गए मरे हुए? मरे हुए नहीं, फोर्थ हुए। फोर्थ नहीं बोलो, वो दूसरी लाइफ में गए हुए। कौन सी दूसरी? जो दूसरी लाइफ है जब। वाह क्या बंदा अल्लाह के पास, मजा आ गया। मजा पता है वो किधर गई हुई है? वो सबसे ब्यूटीफुल जगह जन्नत में गई हुई है, हेवन में। जन्नत पापा मुझे बोलता था अमेरिका, खतीजा अभी अमेरिका गई हुई है। यशो को नवाल को एक अरसे तक हम यही बोलते थे ना, अमेरिका गई हुई है। तो वो अमेरिका भी गई थी, मुझे मिली थी वहाँ पे। आप चलेंगे ना इकट्ठे? कितने साल हो गए ये सबको? 2015 साल मेरे ख्याल से, 5-6-7-8 साल हो चले। मैं आई थिंक 2016 की बात है या मैं क्या, इतने हो गए 5-6-7 साल हो चले। 2013 में मैं इंग्लैंड से आ गया। बाबा बिजी हो गया था प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा, और 2 साल मेरा ख्याल में 15 कही मुझे याद ही नहीं है। 15 जी बेटा, देखो मैं 2013 में हुई थी, उसके बाद जब आप ही हुई खदीजा आपी को खदीजा आपी के बर्थडे को भूले हुए कितने साल? अच्छा क्या खदीजा की बात, उसके यशो के बर्थडे क्यों नहीं करते? 21 दिसंबर मगर उसकी एक शर्त है, जब खतीजा की बर्थडे वहाँ करेगी बर्फ में लेकर आएंगे तो वहाँ यहाँ आके बर्थडे किया करेंगे। वो खुद कह रही है आज, हमें देख लो वही कह रही। नहीं अभी इस तरह से सीक्वेंस में रहते ना राबिया से, राबिया की कब है पता नहीं, 13 में बेबे। अच्छा सब बच्चों की बनाते हैं, सही है? सही। जो बेबे है, बेबे की होगी 13 मई। सही। अब 13 मई में होती गर्मियाँ तो वो हुआ करेगी मरी में, और उसके बाद आएगी नवाल 21 जून। अच्छा फिर आएगी 21 जून नवाल की। यस नवाल की फिर जो है वो यहाँ पे हुआ करेगी, बाहर होंगे पाकिस्तान से तो जहाँ पे भी वहाँ हो जाएगी। बस सही है, ठीक हो गया। या फिर मरी या नथिया गली। सही। अच्छा कहाँ करनी है? अच्छा तो गर्मी हो, हाँ नहीं गर्मियों में भी ये होगा, ये तो बल्कि ठंडी होगी, ग्रीन होगा, लाश ग्रीन ठंडा होगा, गुड हो गया। लगता सब की इसी पार्क में ही आ रही है मेरी जुलाई। मम्मा मुझे सर्दी में नहीं पैदा कर सकती थी। अच्छा अच्छा उसके बाद आ गया, बल्कि इससे पहले तो आपकी नहीं आ रही है? मेरे 13 नहीं मेरी ये 21 जून है मेरी, 13 जुलाई। अच्छा उसके बाद आ गई 13 जुलाई, ठीक हो गया। अब 13 जुलाई कहाँ करनी है? घर पे। अच्छा फिर आ जाएगी मेरी? हाँ जी नवंबर। हाँ आने वाली है नवंबर तो, आने वाली है। गुजर गया भाई साहब। अरे क्यों अब आएगा ना, दूसरा नवंबर आ रहा है ना। पहले आप सबकी आने वाली है। ओह यस भूल गए भूल गए, पहले आप सबकी आने वाली है। ओ फिर आएगी नवंबर में मेरी। नवंबर में हम लोग क्या करेंगे, नवंबर में जहाँ पे बेबी कर लेंगे। फिर आ जाएगी 5 दिसंबर। बेबी ऐसी हरकत ना करे, उसका हाथ भी जाएगा। ये भी छोटा बेबी लगे, ये तो अंकल है ना हमारे। हाँ, ये हमारे बड़े भैया है। बंद करो गाय साहब, मेरा देखो गाय। अली ने उसमें डाल दी आइस भी। क्या? सुनो सुनो अली तो पागल है, थोड़ी सी डाली ज्यादा नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। हो गया आम जो रहे अभी पहाड़ों पे जा, इससे भी ज़्यादा बर्फ होगी तो वहाँ हम आपको मिलेंगे। तो अभी लगा लिया अपना स्नो डाइवर बुला रही है, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं दूसरी वाली जगह पे, और यहाँ पे ठंड हो रही है। मुझे तो लगती है मैंने पतला पहना है। और गाइस मैं मजे मजों की चट्टानों का मजा।
ये छोटे छोटे दो चूचे कहाँ से आए मुर्गे ठंड से बचने में। और अब्बा जी भी गाड़ी के बाहर, अब्बा को भी गाड़ी के बाहर बिठाए हुए हम खाएंगे तो सब खाएंगे। सुनो मैं आपके चश्मे भी देखूंगी। ठंड को ज्यादा ही हो गई, नहीं आता ना। हाँ, अब ये पिघले भी देर से आए। मैंने इतना अच्छा स्नोमैन बना। सर देखा सर्दी, ये बर्फ पिघलेगी देर से। चार पांच दिन तो लगेंगे अच्छे से। बनाने का नया तरीका देखे, और मेरी नमक और मिर्चों में ना चला जाए। और ये गया भी तो मीठा मीठा चावल, और ये नवाल जो के बर्फ से घूम घूम के अब आके खाना बना रही। अभी मुझे धुआं निकल रहा है। पुलाव, पुलाव मटन, पुलाव चिकन, पुलाव मटन, पुलाव चिकन मटन।